पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए घर घर गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित की जा रही है। गणेश उत्सव 10 दिन तक चलेगा। वहीं कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक स्थानों पर कम ही आयोजन हुए हैं। खास तौर पर बात करें केरल, मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में जहाँ कोरोना की संक्रमण दर अधिक है, वहाँ पर कम सार्वजनिक आयोजन किए गए हैं। मुंबई में गणेश चतुर्थी वाले दिन धारा 144 लगा दी गई है। यहां लोगों को पंडालों में जाने की अनुमति नहीं है। आयोजकों से कहा गया है कि वे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करें। इसी बीच देश के विभिन्न हिस्सों से सुबह की आरती की फोटोज आने लगे हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली के सिद्धि बुद्धि विनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन को श्रद्धालु उमड़ चुके हैं। इसी के साथ ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में एक समुद्र तट पर विश्व शांति संदेश के साथ सिप्पियों का उपयोग करते हुए भगवान गणेश की एक स्थापना मूर्ति बनाई। वहीं महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर परेल के लालबाग इलाके में गणेश गली में पुजारी और आयोजकों ने मुंबई चौराहा की सुबह आरती की। महाराष्ट्र में सरकार के बाद अब पुलिस ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे कोरोना नियमों का पालन करते हुए ही गणेश उत्सव मनाएं। वहीं सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक मूर्तियों को लाने और उनके विसर्जन के दौरान सार्वजनिक मंडलों के जुलूस में 10 से अधिक लोग नहीं होंगे। घर में गणपति लाने के लिए 5 से अधिक लोग नहीं होंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी गणपति बप्पा को घर लाने के बाद लोगों ने वीडियो और फोटोज शेयर किए हैं। आप भी इसकी एक झलक देखें। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति सुख करता।